कुछ ऐसा सेकेंडरी हेडिंग की तरफ सा बयासी पे थोड़ा सो उन के बारे में जान पे नाज़रीन तक पहुंचाना चाहे बिल्कुल सेकेंडरी हेडेक्स जेके प्राइमरी हेडेक्स कुछ असान डिस्कस किया हुआ उनन में एकड़ो असान जो मोस्ट कॉमन रह जी वयो जेमें के असान ट्राइजेमिनल न्यूरोलेजिया चंदा आयो वो एकड़ो एड़े किस्म जो हेडेक होंदा जेसा मानो चंदा ते एड़ो सूरत ते इनखा चंगा तो मुझे मतलब के मां मरी वने ते बेहतर आ वो डाडो सीवियर हेडेक थिंदो आ सीवियर इंटेंसिटी थिंदो आ उन जो मूल इलेक्ट्रिक करंट लाइक इतने सेंसेशन थी पूरा फेस जो हों छो तो एक्चुअली क्रेनियन नर्व्स होंगे ट्राइजेमिनल नर्व्स होंगी उनका रूट्स होंगे ऑप्थाल्मिक डिवीजन होंगी मैक्सिलरी होंगी मैंडिपुलर होंगी ये टे डिवीजन जी होंगे ये नर्व उन पेन के कर इफेक्ट जैमें असके खाण में तकलीफ थी पेस्ट करण में तकलीफ थी मानी चबाड़न में उनकी च्यूइंग करण में तकलीफ थी स्माइल करण में तकलीफ थी अखियन में पानी अची वो नाकबिल बर्दाश्त जो हों फेशियल पेन हों उनके ट्राइजेमिनल न्यूरोलेजिया चवंदा उनका डिफरेंट काजेज हों खुदा का कें ट्यूमर हों या डीमाइलेशन कोई डिजीज मल्टीपल स्क्लोसिस गो हों या कोई इन्फेक्टिव इटियोलॉजी या कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट थी तो वे नर्व में उनके कर सके तो उनका ट्रीटमेंट ऑप्शन अगते हली डिस्कस क्या सेकेंडरी हेडेक्स बयान कर तमाम जरूरी है वो इनके करें तो अस यो आम जाम डिठो अस पेशेंट जी क्लिनिक से इंदा कें हेडेक तो वो एक पत्तो पेनाडोल जो पर डे खाई छींद खाई छींदा या खाई छींदा या ब्रूफेन वा या रिलीफ टैबलेट अचे थी अजकल या नाइस अचे थी इस अड़े तरीके एनसेड्स जो हों एक्सेस यूज में उनके अस चाहिए मेडिकेशन ओवरडोज हेडेक छो तो मथे के सूर के अलावा अस दवा दींदा कदें कहीं मूँ एक्सेस में वही चाहता जो जल्दी ठीक थी वे उन चक्कर में वो मथे सूर अस पेशेंट चार महीना छह महीने का इंदा चाहिए एतरी सारी ट्रीटमेंट वन अस ये सब बंद कर मथे में सूर ऑटोमेटिकली उनके अस चाहिए मेडिकेशन ओवरडोज हेडेक सेकेंडली मोस्ट कॉमन जो अस डिठो जैसे अस इग्नोर भी अस काफ़ी असा मूँ वेचारा कन था वो सीवियर हेडेक हों जो ब्रेन ट्यूमर से रिलेटेड हों वो हेडेक अर्ली मॉर्निंग हों जो मोस्ट थंडर क्लेम हेडेक या वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ मन नाकबिल बर्दाश्त हेडेक उनमें जो स्नीजिंग से कफिंग से उनसा वो वी वो उनसा गुरु गुरु उल्टी उन पेशेंट के नज़र से इफेक्ट पवन तो इन किस्म जो हेडेक जैसे कें मू के थे तो या अस उनसा गुरु गुड फिट्स थियन या बेहोशी जहा दौरा अचन मथे सूर से गुड तो अस जे नाजरीन यार धरती टीवी के मॉर्निंग प्रोग्राम के बुधन पाया तो उन तसलसल से प्यार में दोस्त अजीजन में आस पास में जैसे इन किस्म जो इलामतों अचन तो वो फौरन पे दिमागी बीमार के डॉक्टर से रजू कर उनमें कुछ जरूरी टेस्ट थन्दा जैमें सी टी स्कैन दिमाग जो वो फोटू थन्द एम आर आई थन्द फौरन जन खुदा खासा का बीमारी अचे तो उनको जल्द फैलजन का पैर अस इलाज कराई सकूँ उनका जो हेडेक्स सिस्टमिक डिसऑर्डर्स जैसे ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर चंदा ने ब्लड प्रेशर वधी मथे में सूर है ब्लड प्रेशर वधी वेंदो इहे ना है यो एकड़ो असान आम चंदा ने इन जो मथे में सूर है ब्लड प्रेशर मतलब बीपी जो पेशेंट है पर ये न होंदो उनको मथे में सूर न उन करे ब्लड प्रेशर थी ठीक है अस हेडेक बेहतर थी ऑटोमेटिक उनको ब्लड प्रेशर सही थी उन दवा वठन की जरूरत ना होंगी एक यो कॉन्सेप्ट है यो अचन खपे उनका अलावा कोई इन्फेक्शन थी कि जरासीम जो दिमाग गर्दन तोड़ बुखार हों जैसे मैनेजाइटिस चवंदा आयो इंसेफ्लाइटिस हों या मलेरिया होंगी दिमाग की मलेरिया के असा सेरिब्रल मलेरिया चवंदा आयो दिमाग की टीबी होंगी घणे वक्त का मरीज के बुखार हल्द हले तो मथे में सूर गड़ो गड़ थे तो पेनाडोल पोनस्टन ठीक है तक वक्त ही फायदो दींदा पर तेजे उन बीमारी जो ताज दिसो कड़ो आ बुखार से गुड मथे में सूर जो तो उ मथे में सूर छी वो जैसे का बीमारी डायग्नोस थी वे उनके अलावा मोस्ट कॉमन जो हों प्रेग्नेंसी में मोस्ट कॉमन हेडेक्स प्रेग्नेंसी में तुम डिठो औरतन जो सेकेंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर छः सत अठे महीने में मोस्ट कॉमन हों छो तो प्रेग्नेंसी में फ्लूड ओवरलोड वॉल्यूम ओवरलोड कार्डियक आउटपुट वी हों ब्लड सर्कुलेशन वी वी तो अस चाहिए इनके अस नॉर्मली यो एक फिजियोलॉजिकल हों इनके नॉर्मली कदें कदें खुदा न खासा कदें प्रेग्नेंसी में जो मथे में सूर थी वो असा कुछ ब्रेन जहाँ ट्यूमर्स जो हों उनमें वी वा तो एक दिमाग जो फोटू जरूर कराइंदा जैमें नॉर्मल इंदा तो ठीक है जो ना उनके ट्रीट कर मोस्टली हों उनका अलावा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट ट्रामा कदें कदें मरीज का असो मेडिकल में असूल है तो अस जैसे भी मरीज के कें भी किस्म जो को भी डॉक्टर हो शोबे से ताल्लुक रखे अस हिस्ट्री पैर वा
हिस्ट्री मतलब डिटेल अस उनका मरीज का उनकी बीमारी के बारे में पुछा आयो तो वह हिस्ट्री अस तमाम इंपॉर्टेंट होंगी कदें मरीज इंदा चाहता हेडेक अस सिंपल दवा लिखी दई छा पर कदें अस ये पुछू पास हिस्ट्री पुछू कदें रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट को धक लगो होने चाहता है पोस्ट ट्रामेटिक हेडेक धक लगन के कर महीने चार महीने मथे में सूर थी सके तो टाइम बुधा पे चार महीना यो चार महीनन का पोई थी है या जरूरी ना सालन का पो या साल या छह महीने पर एक हिस्ट्री वठन तमाम जरूरी है तो ये उनका अलावा असा साइनोसाइटिस मोस्ट कॉमन है दर्द आ जी असाई गाल पे के मेट्रोलॉजिस्ट है अस एनवायरमेंटल चेंजेस हूँ तो उनमें जो दर्द आ मिट्टी आ वो वन तो साइनसिस में एक्यूमुलेट थे साइनोसाइटिस होंगे तो अस हमेशा उनके साइनोसाइटिस कर ही ट्रीट कर जरूरी ना तो वो कोई बीमारी हो पर इन सभी मथे के सूरन मथे मन हेडेक है तो एक टॉपिक ये पूरा अस डिस्कस किया ते प्राइमरी हेडेक्स अस अलग क्या ब्रांचेस अलग अलग तो वर्ड आड़ो हेडेक आ पर इनके अस डिटेल में दिमागी बीमारियों जो डॉक्टर जो हों वो कैटेगराइज कॉन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री से यो प्राइमरी आ सेकेंडरी आड़े तरीके से अस ट्रीट क्यों बो एक अजोक तसल से यो बुधन चाहें तो इनका कुछ प्रेसिपिटेंट फैक्टर्स हूँ कुछ रिस्क फैक्टर्स हूँ कें मू में यो सके तो कें मू में इनका जो इनके हेडेक के वाइक रिस्क फैक्टर्स आन उनमें ओबेसिटी है मोटापो उनमें उन मे हों ब्लड प्रेशर जैसे हुए शुगर हुए वेट गेन हो या कुछ बो सिस्टमिक बीमारी होजन उनमें भी जो हों मोस्ट कॉमन थी सके तो चांसिस हूँ अच्छा वो प्रेसिपिटेट्स कड़ा इनके वाइंदा कड़ा जी स्लीप डिप्रिवेशन आराम सही तरीके से न अचे मानो 24 कलाक मन 4 कलाक आराम कर 5 कलाक न 8 कलाक पे आराम करो रूटीन भले तुम रखो आराम करण तमाम जरूरी है सब बेन बीमारियों के लिए जरूरी है खास करके अस चाहता है तो दिमाग की बीमारियों में आराम तमाम जरूरी होंगे मेजोरिटी मूल आराम स्लीप पूरा एक्जैक्टली स्मोकिंग है स्मोकिंग जो इनके वाइंदा स्मोकिंग परहेज करी वे स्मोकिंग घट कई वे छो तो अस पंज मानो स्टूडियो में तो एक स्मोक करे तो बया पैसिव स्मोकर इन गाल ख्याल रखो अस बारहड़े में अस कचेर क्या रिहाणो क्या अस या शे ना वूँ तो बया जो चार पीता उनको धुआं असा में सपोज समझो अस स्मोकिंग इनके वाइंदा उनका लोकल फटिगेबिलिटी थकावट जी होंगी जी पे अस ऑफिस वर्कर्स जो पे या तुम जो बेहतरीन सवाल पूछो सजे डे में मू फटीक मू न थे पेंो एक्सरसाइज रेगुलर कर प्लेंटी ऑफ फ्लूड मन पानी जो इस्तेमाल तमाम सुनो रखे ये शेयर कह तो प्रेसिपिटेंट का बची सके तो ये फटीक एक मन प्रेसिपिटेंट फैक्टर थी लेक ऑफ एक्सरसाइज थी स्लीप न थी एस्ट्रो अल्कोहल अल्कोहल जो रेड वाइन जो हों जो हों इनके वाइंदा वो रिस्क फैक्टर में चवे इनके वाइंदो पाए माइग्रेंट्स अटैक्स के।